हेलो दोस्तों, आज हम विशेष रूप पर अष्टमी और नवमी में माता रानी को भोग में चढ़ाने वाले काले चने की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बिना लहसुन प्याज के रहेंगे, जो कि नवरात्रि में बनाए जाते हैं। खासकर इसे आप कन्या भोज में भी खिला सकते हैं। एक एक दाना आपको मसाले से लिपटा हुआ दिखाई देगा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्जी बनेगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप भी आसान तरीके से ये काले चने इस नवरात्रि बना सकें। काला चना बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी काला चना का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने मेंबर के हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं, कितनी भी कटोरी आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक कटोरी लिया है। इसे आप अच्छे तरीके से पहले 2-3 पानी धोकर इसे हमें रात भर सोख करके रखना है। यदि आप शाम को बनाना चाहते हैं तो आप सुबह भी इसे भिगा सकते हैं, पर खासकर यदि नवरात्रि में बना रहे हैं तो आप रात में भिगा दीजिए या अष्टमी के दिन आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बढ़िया सा भिगा दिया है। ये देखिए, सुबह हमने इसको देखा है, देखिए इस तरीके से बढ़िया सा ये फूल जाता है। तो रात भर ये सूख हुआ है। इसके बाद ये जो पानी है इसको हम फेंक देंगे। 2-3 पानी आप अच्छे तरीके से इसे धो लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से कोई छन्नी होगी आपके पास तो इस तरीके से चना डाल दीजिएगा, तो नीचे जो पानी रहेगा आपका गंदा वो आपका निकल जाएगा। उसके बाद साफ पानी से धो लीजिएगा। कुकर लेंगे हम उबालने के लिए। कुकर में सारे चने को हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि हम सूखा चना बनाएंगे तो पानी ज़्यादा नहीं लेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, ताकि आपका हर एक चना में नमक का स्वाद आ जाएगा। उबालते समय हम इसमें दालचीनी भी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। उबालते समय आप डाल दीजिएगा। तो चलिए, इसकी सीटी कर लेंगे हम। 5 से 6 सीटी कर लीजिएगा तो अच्छे तरीके से ये उबल जाता है। अब दूसरी तरफ हमारा कुकर हो रहा है, तो चलिए इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हमारी ये सब्जी बन रही है बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि ये हम नवरात्रि में बना रहे हैं। तो इसके लिए ये देखिए स्पेशल मसाला होता है, जिससे आपकी सब्जी जो है आपको लगेगा भी नहीं कि बिना लहसुन प्याज के हैं। तो ये देखिए मसाला तैयार करेंगे। तो अदरक ले लिया है हमने थोड़ा सा टुकड़ा। उसके बाद हम अपने हिसाब से मिर्ची ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट हो। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया, ये डाल देंगे हम थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें डाल देंगे हम टमाटर। तो 2 छोटे टमाटर होंगे या 1 बड़ा टमाटर, इस तरीके से डाल के इसको चिकना सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो इससे जो आपकी सब्ज़ी बनेगी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगी। तो ये सब्ज़ी का यूज़ करेंगे हम सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए। अलग से एक कटोरी में निकाल के रख देंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, कुकर हमारा हो चुका था और ठंडा भी हो चुका था। जब तक कि सीटी आपकी ठंडी मतलब नहीं हो, तब तक आप कुकर नहीं खोलिएगा। तो ये देखिए थोड़ा दबा के देख लेंगे हम इस तरीके से। तो परफेक्ट तरीके से देखिए हमारा चना बहुत अच्छे तरीके से एकदम फूल भी चुका है, आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पका है। बस इसी तरीके से आपका चना पकना चाहिए। तो चना पक चुका है। कोई छन्नी वगैरह होगा तो आप इसको इस तरीके से कुकर से बाहर कर दीजिएगा। तो छन्नी में आपका चना इस तरीके से निकल जाएगा, और जो नीचे पानी रहेगा ना, वो पानी नहीं फेंकिएगा, उसी पानी में सब्जी का स्वाद रहता है। जब भी आप चना बनाएं, चने का पानी कभी नहीं फेंकिएगा। उबालने के बाद ऐसी पानी में आपका चने का स्वाद रहता है। तो चलिए सब्जी फ्राई करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल, इसमें हम डाल देंगे जीरा, और ये 2 लाल बड़ी हरी मिर्च हम इसमें तल के रख रहे हैं। आप ज़्यादा भी तल सकते हो। ये हम लास्ट में जब आप सब्ज़ी सर्व करेंगे तब आप इसको रख सकते हैं। आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए हमने ये 2 हरी मिर्च तल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, तेज़पत्ता डाल देंगे देखिए, और हरी मिर्च डाल देंगे इसमें कटा हुआ। अब जो मसाला हमने पीस के रखा है, ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। बस इसको अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा भून लीजिएगा। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे सारे बेसिक मसाले। तो इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। इसमें मेथी पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये डाल के हमें थोड़ा सा भूनना है। और थोड़ा सा लाल कलर आ जाए इसके लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सबको अच्छे तरीके से पहले आप भून लीजिएगा। भुन जाए तो इसके बाद हम उबला हुआ चना इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से बढ़िया सा आपको मिक्स करना है। सारे मसाले हर चने में मिक्स हो जाना चाहिए।
मसालों के साथ चना अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हर एक चने में आपको मसाले दिखाई दे लपटा हुआ, इस तरीके से बढ़िया सा आपको मिक्स करिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक आप ध्यान रखिएगा कि पहले भी आपने उबालते समय डाला है तो उसी हिसाब से आप बाद में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। इसमें नमक डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने उबला हुआ जो पानी निकला है ना, उसी पानी में हम इसको 5 मिनट ढककर पकाएंगे। अलग से पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्रसाद का जो चना होता है काला, वो सूखा ही बनता है, तो उसी पानी में हम डालेंगे। कभी भी चने बनाते समय आप उसका पानी नहीं फेंकिएगा, जो उबलता पानी है उसी पानी से आप इसको पकाइएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है चने का। तो ये देखिए पानी हमने डाल दिया है, अब इसको हम ढककर 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट देखिए हमने पकाया है, तो चना पकने में टाइम नहीं लगता क्योंकि चना तो उबला हुआ है। बस आपको थोड़ा मसाले भुनने हैं चने के साथ में। तो बस हमारा देखिए सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है। लास्ट में बस हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया। बस तो हमारी सब्जी तैयार है। आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से हमने ये प्रसाद का जो काला चना है और वो बना चुके हैं हमने। और आप देख रहे हैं कि हर एक जो आपका चना है वो एकदम मसालों से लिपटा हुआ है। तो बस एकदम सिंपल तरीके से आप लोग भी ये रेसिपी को बना सकते हो। अष्टमी और नवमी में बनने वाले काले चने की सब्जी एकदम तैयार है। दिखने में देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रही है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है। अब प्रसाद में चढ़ाने के लिए हमने पूड़ी भी बनाया। तो पूड़ी के लिए नॉर्मली जिससे हम आटा गूंथते हैं, बस इसी तरीके से आप भी गूंथ लीजिएगा हल्का नमक डाल के। और इस तरीके से देखिए हमने पूड़ी बना लिया फटाफट। तो आप एक साथ ये देखिए इस तरीके से प्रसाद की थाली तैयार कर सकते हैं, पूड़ी एंड काले चने की सब्जी। आप इसे कन्या भोज में भी कन्याओं को खिला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूड़ियाँ बना बना के रख लिया और साथ ही इसको हम तल लेंगे। तो पूड़ी बनाने से पहले हल्का सा मीडियम आंच में आप पहले तेल गरम करके रख दीजिएगा, पूड़ी बनते तक आपका तेल गरम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बढ़िया फूली फूली पूड़ी हमने प्रसाद के लिए फटाफट तरीके से बना लिया है। तो ये लीजिए हमने माता रानी के लिए प्रसाद की थाली तैयार किया। तो हमने केले के पत्ते में रखा, एक दोने में हमने रखा पूड़ी और साथ ही दूसरे दोने में हमने रखा काला चना। तो इस तरीके से इस नवरात्रि आप लोग भी ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरीके से माता रानी के भोग के लिए अष्टमी या नवमी पे ज़रूर इसे बनाइएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली रेसिपी में। हैप्पी नवरात्रि। Thank you.